पिहोवा से मनदीप चड्ढा को टिकट मिलने पर राजनीति गरमाई। आज पिहोवा से जैसे ही मनदीप चड्ढा को कांग्रेस का टिकट मिलने की घोषणा हुई, तभी से कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं की खुशी का ठिकाना न रहा। दूसरी पार्टियों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी की टिकट के ऊपर की कई अटकलें लगी रही थी, परंतु आखिरकार मनदीप चड्ढा ने बाजी मारते हुए कांग्रेस की एक बार फिर टिकट लेने में सफलता प्राप्त की। टिकट अकाउंट होते ही आज सुबह से मनदीप चड्ढा के कुरुक्षेत्र रोड पिहोवा स्थित निवास पर हजारों की गिनती में कार्यकर्ता इकट्ठा होना शुरू हो गए। इस मौके पर पुराने सभी कार्यकर्ता इकट्ठा होते हुए देखे गए, जिनमें की हर्ष और उल्लास का माहौल चरम सीमा पर था। इस मौके पर मनदीप चड्ढा के पिता पूर्व मंत्री व पूर्व स्पीकर श्री हरमोइंदर सिंह चड्ढा भी मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने अपना आशीर्वाद देकर मनदीप चड्ढा व कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। पिहोवा से मनदीप चड्ढा को कांग्रेस का टिकट मिलने पर विरोधी पार्टियों में खलबली मच गई है। जहां दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार अपनी विधानसभा की सीट को सहज के ले चल रहे थे, वहीं अब मनदीप चड्ढा के मैदान में उतरने के बाद एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। मनदीप चड्ढा के पिता श्री हरमोइंदर सिंह चड्ढा राजनीति के माहिर होने के कारण इसका लाभ मनदीप चड्ढा को भी मिलेगा। दूसरी तरफ रूटों को मनाने का दौर भी चल पड़ा है, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी माहिर मानी जाती है। जब कांग्रेस के उम्मीदवार मनदीप सिंह चड्ढा से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि उनकी जीत तय है। इस मौके पर कांग्रेस कमेटी ग्रामीण प्रधान करणजीत चड्ढा ने भी कांग्रेस की जीत को ही पक्की बताया। सभी भाइयों का नमस्कार। आज पिहोवा विधानसभा से हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, हमारी प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने, हमारी CLP लीडर चौधरी हुड्डा साहब ने, हमारे लोकल कर्मठ ईमानदार और हमारे मनदीप चड्ढा जी को टिकट दे के हमारे कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाया है। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने जो हमें एक लोकल नेता जो हमारे साथ पिछले 15-20 सालों से यहाँ दिन रात काम कर रहे थे, माननीय चड्ढा साहब जी उनके सुपुत्र को टिकट दे के कार्यकर्ता का और हलके का जो मान बढ़ाया, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करते हैं। मैं अपने कार्यकर्ताओं से, सभी क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आने वाले समय में अपने कर्मठ नेता को, ईमानदार नेता को और जो विकास पुरुष हैं, विकास के काम करने वाले जिन्होंने पहले भी काम करके दिखाया, पिहोवा में आप पिछले 10 साल जब हुड्डा साहब की सरकार रही, उन्होंने पिहोवा माता सरस्वती के लिए जो काम किए हैं और किसानों के लिए जो काम किए हैं, कमेरे वर्ग के लिए काम किए हैं और जितने भी 36 बरादरियों को चड्ढा साहब, मनदीप चड्ढा जी अपने साथ लेके काम करते हैं, और हमें पुरजोर विश्वास है और उम्मीद है अभी अब भी हमारा 36 बरादरी हमारा साथ देगी और फिर जो है 2019 में मनदीप चड्ढा जी को विजय बनाकर विधानसभा चंडीगढ़ भेजेंगे और हमारे मुद्दे उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। आपने इलेक्शन कार बढ़ती है, आगे आपकी प्लानिंग क्या है? सबसे पहले मैं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, हमारे विपक्ष के नेता चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी और हमारी कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनको एक बात का ज़रूर विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह का जोश हम सब कार्यकर्ताओं में देख रहे हैं, भाई जोश है ना, ये मनदीप चड्ढा सारा पिहोवा आज पिछले 5 साल में केवल और केवल एडवर्टाइजमेंट हुई है, ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं हुआ। जहाँ के तहाँ काम जो 5 साल पहले पड़े थे वहीं आज हैं। 2005 से लेकर 2014 तक चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी की सरकार में जब चड्ढा साहब वित्त मंत्री थे तो उनके अध्यक्षता में जो पिहोवा का अभूतपूर्व विकास हुआ आज सभी लोग याद करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि झूठ और फरेब की सरकार इसको लोग चलता करने के मूड में हैं और पिहोवा में कांग्रेस जीतने जा रही है और अच्छे मार्जिन से जीतने जा रही है। एक एक कार्यकर्ता हमारा बूथ पे, गांव में, शहर में डटा हुआ है। मनदीप सिंह चड्ढा जिंदाबाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। अब अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? देखिए चुनाव है, जो मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं सभी प्रतिद्वंदी हैं।